नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत बिजनेस लाइन के साथ। आज हम जानेंगे रबर बिजनेस के बारे में और रबर डीलर लाइसेंस अप्लाई के बारे में। आप कैसे रबर डीलर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो के लिए, तो वीडियो में पूरा बन रही। ये जो रबर और रबर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है ग्लोबली। एग्जांपल, जब कोई बच्चा जन्म होता है उसके बाद इसको जो मैट में रखते हैं वो भी रबर मेड है। और इस प्रोसेस के दौरान डॉक्टर्स लोग सेफ्टी के लिए जो हैंड ग्लव्स यूज करते हैं वो भी रबर मेड है। इसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, खिलौना यूज करते हैं, इसमें भी रबर यूज होते हैं। उसके बाद बाइसाइकिल, बाइक, कार्स, एयरप्लेन्स और भी हजारों छोटे बड़े सेक्टर्स है जिसमें रबर को यूज करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने रबर से जुड़े हुए कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में शेयर किया था, आप इसको जरूर देखें। और इसके साथ और एक नया अपडेट है फ्रेंड्स, हमारा जो प्रशांत स्टार्टअप यूट्यूब चैनल है इसको हमने रीनेम करके प्रशांत बिजनेस लाइन किया है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है फ्रेंड्स, इस चैनल में हम स्मॉल मीडियम स्केल के एक्सपोर्ट बिजनेस डिमांड और सप्लाई के बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसे स्मॉल मीडियम स्केल के जो नए एंटरप्रेनर्स है उनको एक सही स्टार्ट करने के लिए सही गाइड मिले। क्योंकि आप जानते हैं जो स्मॉल मीडियम स्केल के एंटरप्रेनर्स है, स्पेशली नए एंटरप्रेनर्स है, उन लोगों का बहुत ही कम रिसोर्सेस और हेल्प होते हैं। और दूसरा और एक कारण है वो है प्रशांत स्टार्टअप के नाम से यूट्यूब में दूसरा और एक चैनल है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन पहले दूसरे यूट्यूब चैनल ने यूट्यूब को रिपोर्ट किया और मुझे पता चला। वैसे भी हमारा कंटेंट और हमारा जो ऑडियंस है टोटली डिफरेंट है। हमारा जो कॉन्टेंट है वो स्मॉल मीडियम स्केल के एक्सपोर्ट डिमांड और सप्लाई के बारे में हम कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, और हमारा जो ऑडियंस है वो है ग्लोबल ऑडियंस है। फिर है जो क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और कुछ छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं और स्मार्ट है। आपको ये नया नाम कैसा लगा प्लीज कमेंट में शेयर करें। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। इंडिया में कोई भी रबर बिजनेस के लिए आपको रबर बोर्ड से लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस ये आप नहीं कर सकते। करेंटली रबर बोर्ड से चार तरीके की लाइसेंस देते हैं। एक नंबर में रबर डीलर लाइसेंस, दो नंबर में रबर प्रोसेसिंग लाइसेंस, तीन नंबर में रबर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, चार नंबर में स्पेशल लाइसेंस। आप ये लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। रबर डीलर लाइसेंस के लिए आपको जो चाहिए वो है बिजनेस फॉर्मेशन, आपका प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर है आधार कार्ड, फिर है पैन कार्ड। आप अगर प्रोप्राइटरशिप हो तो आपका पर्सनल पैन कार्ड यहाँ पे चलेगा। अगर दूसरे टाइप का बिजनेस है तो इसके हिसाब से आप पैन कार्ड को यूज़ करें। फिर है बिजनेस एड्रेस, फिर है बैंक अकाउंट, कोई भी नेशनलाइज बैंक और करेंट अकाउंट को आप यूज़ करें। और चाहिए एक बैंक गारंटी। बैंक गारंटी वो है, बैंक आपको सर्टिफाई करके देगा आपके बैंक के साथ रिलेशन। फिर है बिजनेस डीलिंग प्लेस और स्टोर, आप कहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है ये स्टोर करेंगे। फिर है एप्लीकेशन फॉर्म बी, वहाँ पे एक फॉर्म भी है, वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। और एक है एविडेविट। डीलर लाइसेंस फॉर्मेट के लिए एक एविडेविट गाइडलाइन है, वो आप रबर बोर्ड के जो गाइडलाइन है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, या आप रबर बोर्ड के जो ऑफिसर से उनके साथ कंसल्ट करें। और ये फर्स्ट क्लास नोटरी स्टैंडर्ड विथ 100 रुपीज़ स्टैम्प, आपको ये फर्स्ट क्लास नोटरी आपको करना पड़ेगा और 100 रुपये का स्टाम्प आपको चाहिए।
जो रबर बोट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको रबर बोट का लिंक मिल जाएगा। फीस में 3,540 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और ये आप ऑनलाइन और डिमांड ड्राफ्ट दोनों में पे कर सकते हैं। और इसका जो रिसिप्ट है इसको आपको सही में कलेक्ट करके रखना चाहिए। फिर है अटेस्टेड फोटोग्राफ। आपका जो फोटोग्राफ है वो अटेस्टेड चाहिए बाय ए गवर्नमेंट ऑफिशियल और नोटरी। एक अच्छे ऑफिशियल से आपका जो अटेस्टेड फोटोग्राफ उसको आपको चाहिए। चलिए जानते हैं प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आप रबर बोट के वेबसाइट में जाएंगे और करंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट को भी ये लोग अपडेट करते रहते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप रबर बोट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कहाँ पे आपको ये फीस ट्रांसफ़र करना है और एफिडेविट फॉर्मेट के बारे में। और आप रबर बोट के ऑफिशियल से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको एक यूज़र पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपको डीलर लाइसेंस फॉर्म बी फिल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड और सबमिट करना पड़ेगा। आप प्रिंट करेंगे ऑनलाइन सबमिशन रिपोर्ट बोथ साइड्स और सब डॉक्यूमेंट्स का दो कॉपी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में आपका सील और साइन करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप मेन ऑफिस में कॉन्टैक्ट करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट करेंगे। अगर आपके आसपास कोई रबर बोट का ऑफिस है तो आप उनके थ्रू भी या डायरेक्टली आप रबर बोट के लाइसेंसिंग ऑफिस में भेज सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के एक या दो दिन के अंदर ही उसको भेजना पड़ेगा। नीचे दिए हुए रबर बोट के लाइसेंसिंग ऑफिस में आप आपका डॉक्यूमेंट भेजेंगे। और अगर आप त्रिपुरा में हैं, आप आपका सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और त्रिपुरा के जो रबर बोट है वहाँ पे लाइसेंसिंग सेक्टर में आप कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पे ये जो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस इंक्लूडिंग पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है। अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो कुछ ही दिनों में आपको ये रबर डीलर लाइसेंस मिल जाएगा और इसी तरह आप इजी और फास्टेस्ट वे में रबर डीलर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक रिटर्न स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए ये प्रोसेस के बारे में तो आप हमारे ब्लॉग powerline.com में विजिट करें, वहाँ पे आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में शेयर करें और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए दूसरों के साथ क्योंकि शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल क्लिक करके रखिए ताकि नए वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आखिर में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए और रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते। We'll be right back.